शाबान दी पंद्री नू सोई मौल शाह बुरी दी गिरे लिखरते और डेट दी माल शाह करें दे के और मसले पैदा सें दे भाई जेड़ा आज रात ही हलवा पकाई सी काला काला रसूलुल्ला वो की नहीं वाद सोन घटिया मौल भी दाउदी शोदी औरत भी सुनावा जे तुहानू गल उस आख्या ये पीरा मारिया एडी फजीलत जो शबान दी पंद्रह दी शब रात दी कला बयान करेंदा है ते मैं कम अज कम ओ खाने दाने क्यों ना पकावा चा आखिर सवाब दी ते सानू जरूरत ही भावे मौलवी हाँ ऐसा उसी को हलवे ते कोई गाजरां ते कोई थूम ते कोई वसल ते कोई रेवड़ियां ते कोई तलूंगड़ियां कड़ाके फुलियां गज्जक वगैरह वगैरह तले बद्दी पल्ले बद्दी जेले घर आया तो साई ओ मंजी फरी पई पुछदा भला थी भी एक कीता ही अके जनाब तो सा मसला ना खड़े करें थे ये उसे मसले दा नतीजा निकला पे 40 रुपया खर्च कीता हूं खावा दा क्यों कहर पवी खुदा दा ते लानत पवी मेरी अपनी भी ते मैं मसले पर आया वास्ते करें दा ना कुत्ते दी थी के तेरे वास्ते ही कीता था तैनू कहे आख्या जो मसला मौलवियों दे घर ही वाड़ आंदा हो सकिया भला वी वत मैं तो सुनिया मैं तो काला काला रसूल ला ते मेरा तो होश उड़ गया ते मुशरिक लुटेंदा रसूल दे नां ते इने जदन वी ते मारी खा खलोंदा ते रसूल दे नां ते मैं तो हूं कर बैठी हाँ उस आख्या वह तू कर तो बैठी मगर यह कि मेरे को बर्दाश्त नहीं थी हूँ किवें वापस कर सकनी जरा कुछ पकाई बैठी उस आख्या भलो भी हूँ किवें वापस थी वे चंगा जने वह मैं मरना मैं जे जींदा रहा तो यह मेरा प्यो ही कोई नहीं मैं मोया समझ जे 40 रुपया वल सकता है तो मैं जीना जे नहीं वलदा तो वल असरे इस जमाने ही तो गवाही देवनी है ना कि लोगों वास्ते काल अल्लाह ते काल रसूल ते अपने वास्ते खर्च कीता ही फजूल मैं चंगा मरना लेट गया बंजी ते नाम इन्ने जिवें कुत्ते नूं बंदूक लगी पई आल बालता या लेटिया ओदी औरत हलाया था क्यों कहर पवी ओ बुतलिया कुछ हया करना मुरादा आखिर तू इंसान है जींदा जागदा खांदा पींदा चंगा भला कहा तेनू भठूआ लड़ गया बस ओ 40 रुपया वलसी तो मैं जी सा नहीं तो मैं उस आखे चंगा वड़ फिर गंदे च मरना है तो मर पिया बहर हाल आखे जे मेरे मुक्त दी आवेन अशा दी नमाज वास्ते तो उन्होंने आखे मौली साहब होरी मर गए न इस वास्ते तुसा सुबह सवेरे जल्दी कर नवावन धोवन तैयारी तो इमाम कोई होर मुकर्र कर के नो सुबह का टाइम हो गया उस वंज इतला दी भाई हूँ मौली साहब सारी रात मरण की कोशिश करें दरिया हूँ सूअर वंज मोया है आओ तो हूँ उसनों कोई कफन दफन की कोशिश करो सहारी पिया कहानी अक् करके रंधिर वेख लेते आके 40 रुपया वल फी आखे 40 हूं हूं 40 च डुआया भावे तेरी गल 45 च गति वे हूं 40 कोई नहीं अखीरी जनाब उन्हें गुसल दिता इन आकड़िया पे चाह किता उन्हें चाह के तुर पाए उत्तया बिल्कुल सीख पा होया वंजे वंज के जिले रखे उन्हें जनादा सनादा पड़े उन्हें सूअर दा पोत्र फुरकिया ही ना चाह के दफनाव लगे जनादा जिले पढ़ के अटन तो भजते आख्या कान च इशारा की तुस हो कहर पवी खुदा दा हुण तुने दे नी विच उठी खलो हरामिया थरा ते आखण लगा चल ही वलफी चल ये चल ही ना वलसी तो मौलवी साहब ही ना वलफी अखीरी ना चाह के बेच सटिया वो आखे लगी वे लो खुदा दा छेकड़ दी वारी मैं अलविदियां तो थोड़े कर लवा आखिर मेरा खावंद है
ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸਟੇ ਸੋ ਤੇ ਦਬੀ ਵਈ ਸੀ ਪੁਰੀ ਵਈ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਹਟ ਵੰਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਬਿੱਠਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ 40 ਰੁਪਈਆ ਵੱਲ ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਜਾਣੇ ਬਸ 40 ਨਹੀਂ ਵੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੂੰ ਆਖ ਥਿੱਲਾ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡੱਟ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੇਤਰੀ ਹੀਲਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਦਫ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧੀ ਪੋਤਰੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਫ ਤਲਫ ਕੱਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਕਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਨਿਕੰਗਲੀ ਅਕੇਲੀ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਖਾਵਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਇਸ਼ੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮਰ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਠਾ ਤੇ ਜੁੱਗਾ ਲੁੱਟ ਲੈ ਯਾ ਸਾਕਿਆ ਲੁੱਟ ਲਿਓ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰੀਅਤ ਚੁੱਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਚੁੱਕੀ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੂਅਰ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਖ ਸਜ ਚਾਲੀ ਵੱਲ ਫੇਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਨਲ ਇਨਸਾਨ ਲਫੀ ਇਨਸਾਨ ਘਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਮਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਵਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਚੰਦ ਟੱਕੇ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਚ ਮਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖਾਹੀ ਤੇ ਖੂਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ